हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि जो लर्निंग होती है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ हमें याद रखनी है वो ये कि लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। नाउ इस लाइन से क्या मतलब है कि लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। देखिए, जब आप छोटे होते हो आप कोई चीज़ सीखते हो, बड़े होते हो और नई चीज़ें सीखते हो, फिर आप जितने बड़े होते जाते हो कुछ ना कुछ हम लोग सीखते जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बचपन में सीखी और भूल गए, नहीं, ये चीज़ कंटिन्यूसली होती रहती है, क्योंकि लर्निंग कभी भी रुकती नहीं है, हमेशा कंटिन्यू रहती है। इसीलिए इसको बोला गया है कि इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। क्या बोला गया है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यू रहने वाला प्रोसेस है। उसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट पे, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। देखो, जैसे हम छोटे थे तो हमने कोई चीज़ें सीखी, तो अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं दैट मीन्स हमारे अंदर डेवलपमेंट होगी। हम अगर पढ़ाई सीख रहे हैं, हम राइटिंग सीख रहे हैं, तो पहले जैसे करते थे उसके कंपैरेटिवली अब हम ज़्यादा अच्छी कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो जब भी लर्निंग होगी, जब भी कोई चीज़ सीखेंगे तो डेवलपमेंट भी अपने आप होगी। हो सकता है कि वो पॉजिटिव हो सकता है कि वो नेगेटिव हो। ठीक है, जैसे किसी ने अपने दोस्तों के साथ रह के अगर हम कह लें कि सिगरेट पीना सीख लिया, तो वो एक अच्छी लर्निंग नहीं है, बट डेवलपमेंट हुई, पहले के और दूसरे के उसमें कुछ ना कुछ चेंज आया है। तो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट होता है लर्निंग, जिसमें हमेशा डेवलपमेंट होती रहती है। अगर हम राइटिंग सीख रहे हैं या हम कोई भी सब्जेक्ट सीख रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे वो इम्प्रूव होता रहता है, तो उसको हम प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में रखते हैं। ठीक है, देन आता है चेंज इन बिहेवियर। जब भी लर्निंग होती है बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। नाउ बिहेवियर में चेंजेस मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल आप नॉर्मली इमेजिन कीजिए, हमें पहले कोई चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं थी, हमें इतना आइडिया नहीं था, तो हम किसी एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों को आइडिया लगने लगा, हम लोगों को पता लगने लगा कि अच्छा, ये चीज़ इस तरह बोली जाती है, किसी से ऐसे बात की जाती है, या हमें इस तरह से करना चाहिए, तो हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन देखने को मिलने लग गई। तो वो क्या है, चेंज इन बिहेवियर क्यों हुआ, क्योंकि धीरे धीरे लर्निंग हुई। तो ये भी एक फीचर है लर्निंग का, दैट इज़ चेंज इन बिहेवियर। फिर आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे। जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं या लर्निंग हमारी होती है, तो वी स्टार्ट एडजस्टिंग, हम एडजस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट किसके अंदर आ गया, लर्निंग के साथ आ गया। फिर ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल मतलब समझ लीजिए, टीचर हैं, ठीक है, अब मुझे कोई चीज़ पता है, ठीक है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने ये चीज़ आज सुनी, आज आपको ये चीज़ पता चल गई कि हाँ लर्निंग के ये फीचर्स थे, तो जो चीज़ मुझे पता थी, जो मैंने लर्न किया हुआ था, वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, वो अब आपको भी आता है। तो जो लर्निंग है वो ट्रांसफरेबल है। किस तरह से हमने इसका पता लगाया, क्योंकि भाई जो चीज़ पहले मुझे आती थी धीरे धीरे वो ट्रांसफ़र होने लग गई, वो आपको भी आने लग गई। तो इसलिए मैंने बोला कि जो लर्निंग होती है वो हमेशा ट्रांसफ़र हो सकती है, ट्रांसफरेबल हो सकती है। नाउ इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल क्योंकि जब भी लर्निंग होगी तो बिना सोचे, विदाउट द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, वो चीज़ नहीं हो सकती। तो थिंकिंग हमेशा इन्वॉल्व होगी, इसलिए हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल। ठीक है, यानी कि जब भी लर्निंग होगी तो हमारा माइंड यूज़ होगा, हमारी थिंकिंग यूज़ करोगी होगी, तो लर्निंग हमेशा इंटेलेक्चुअल होती है। फिर आया फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ, क्योंकि भाई आप चाहो या ना चाहो, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, हमेशा कुछ ना कुछ हम लोग सीखते रहेंगे, हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ हमें आती रहेगी। तो ये जो है, ये लर्निंग, ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है, इसके बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब तक आप ना चाह के भी, आप बैठे हो, आप 100 चीज़ें देख रहे हो, तब भी आपकी लर्निंग हो रही है। तो ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। फिर आया रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड सोशल नीड। अब इसके अलावा बहुत सारे और होते हैं, बट मैंने मेजर 8 ले लिए हैं। एक ये भी हो सकता है कि लर्निंग यूनिवर्सल है, बट नाउ इसकी बात करें तो रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड सोशल नीड, मतलब कि भाई लर्निंग जो है डिपेंड करता है इंडिविजुअल, कि एक इंसान से रिलेटेड है या फिर समाज में किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि अगर हम डिग्री ले रहे हैं, हमें टीचर बनना है, ठीक है, तो एक पर्सनली ज़रूरत है कि मैं
क्या कर रही हूँ, मुझे डिग्री लेनी है टीचिंग की तो मैं टीचिंग के लिए लर्निंग कर रही हूँ, कोई और है जिसको MBA की डिग्री लेनी है तो वो उसके लिए लर्न कर रही है या लर्न कर रहा है। एंड सेम वे सोशल नीड, हमें अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग लर्न करते हैं। तो लर्निंग इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड सोशल नीड, ठीक है। तो ये सारे वो फीचर्स हो गए जो लर्निंग के अंदर आ जाते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि ये जो बेसिक है, ऐसा नहीं है कि ये सारा का सारा ख़त्म हो गया यहीं पे, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बट इस वीडियो में हम लोगों ने मेजर ये 8 लिए हैं, ठीक है। ये 8 आप अगर लिख के आएंगे एग्ज़ाम में, जो जो पढ़ाया गया उसको वैसे वैसे अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो पहले जब भी आप लिखोगे आंसर, पहले आप इस तरह से हाईलाइट करके लिखना एक एक पॉइंट को, फिर उसको एक्सप्लेन करना कि भाई वो ऐसा प्रोसेस है तो क्यों है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है तो क्यों है, चेंज इन बिहेवियर किस तरह होता है, तो उसको फिर आप अपनी लैंग्वेज में समझा सकते हो। बट आई एम 100% श्योर कि अगर आप ये मतलब देखोगे और आप दो दो नंबर के हिसाब से भी हर एक पॉइंट को लिखते हो तो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर भी कर लीजिए अगर आपके कोई दोस्त हैं जिनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। और उसके अलावा मेरे चैनल पे हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, वहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट मिलेगी और आपको जो टॉपिक चाहिए क्या पता वो उसमें हो, तो एक बार देख ज़रूर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।